वही अफगानिस्तान है जो 60 के दशक में आधुनिक शिक्षा का एक केंद्र था, लेकिन दशकों बाद इस केंद्र पर धर्म के नाम पर कट्टरपंथ की तालीम देने वाले तालिबानियों का कब्जा हुआ और फिर सब तहस नहस हो गया। हालांकि अमेरिका के ऑपरेशन ने एक बड़ी कोशिश की और तालिबान एक क्षेत्र विशेष तक सिमट गया, लेकिन वो तालिबान जब दोबारा लौटा तो बदला हुआ था। आधुनिकता को मंजूरी देता था, पर तालिबान पर चढ़ा आधुनिक पानी चंद महीनों में ही उतर गया। तालिबान की वापसी जैसे ही हुई, अफगानिस्तान की महिलाओं के चेहरों पर नकाब चढ़ गया। तालिबान के विपरीत दिशा में लोगों ने चलना शुरू किया था। न सिर्फ महिलाओं को पर्दे के पीछे ढकेल दिया, बल्कि डमी के चेहरे तक ढक दिए। दरअसल तालिबान ने महिलाओं के अधिकार खत्म कर दिए, कामकाजी महिलाओं को दफ्तर और कारोबार से दूर कर दिया, स्कूल कॉलेज में बच्ची और महिलाओं की शिक्षा बैन कर दी गई, सार्वजनिक स्थानों पर बिना नकाब निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। अब तालिबानी सरकार ने अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में बगीचों या हरे भरे स्थानों वाले रेस्तरां में परिवारों और महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तालिबान सरकार ने यह फैसला मौलवियों की तरफ से शिकायत किए जाने के बाद लिया। मौलवियों ने अपनी शिकायत में कहा कि ऐसी जगहों पर पुरुष और महिलाओं की भीड़ होने लगी है। अफगान अधिकारियों ने कहा कि हिजाब ना पहनने और महिला पुरुष के एक जगह पर होने की वजह से प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब तक प्रतिबंध केवल हेरात प्रांत में हरे भरे स्थानों वाले रेस्तरां पर लागू है। दरअसल आउटडोर डाइनिंग प्रतिबंध केवल हेरात में ऐसे रेस्तरां पर है जो पुरुषों के लिए भी खुले रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हेरात में उप मंत्रालय और सदाचार निदेशालय के एक उप अधिकारी बाज मोहम्मद नजीर ने मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया कि सभी रेस्तरां परिवारों और महिलाओं के लिए प्रतिबंधित नहीं थे। उन्होंने कहा, इस तरह की बातों को हम सिरे तौर पर खारिज करते हैं। ये केवल हरे भरे क्षेत्रों वाले रेस्तरां पर लागू होता है, जैसे पार्क जहां पुरुष और महिलाएं मिल सकते हैं। मौलवियों और आम लोगों की बार बार की शिकायतों के बाद हमने सीमा तय की और इन रेस्तरां में महिलाओं का प्रवेश बंद कर दिया। तालिबान ने अगस्त 2021 में सत्ता संभाली थी। इसके बाद से तालिबान की ओर से महिलाओं पर कई तरह के बैन लगाए गए। अब ये रेस्तरां वाला बैन नया है। इससे पहले तालिबान ने लड़कियों को छठी कक्षा से आगे की कक्षाओं और यूनिवर्सिटी में महिलाओं की पढ़ाई पर रोक लगा दी थी।